आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi everyone, so your given question is, in each of the following questions, a piece of paper is folded and in some questions first also the problem figure is given on left and answer figures A, B, C and D are given on the right hand side. Select the answer figure that will be formed on unfolding the paper. Indicate your answer in the answer sheet. So guys, this question mein hume diya gaya hai ki ek piece of paper ko fold kiya gaya and usko punch bhi kiya gaya. तो जो प्रॉब्लम फिगर है वो दी गई है लेफ्ट साइड पे एंड जो आंसर फिगर्स हैं ए बी सी एंड डी वो दिए गए हैं राइट हैंड साइड पे ए बी सी एंड डी। सो हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर फिगर को जो कि फॉर्म होगी अपॉन अनफोल्डिंग द पेपर। सो हमें चूज करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम द फोर ऑप्शंस दैट आर गिवन हियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो गाइस, हम मान लेते हैं कि जो पीस ऑफ पेपर है उसकी शेप है स्क्वायर। सो जब उसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया गया बीच से तो उसकी शेप हो गई फर्स्ट फिगर की तरह, ओके। एंड देन जब उसको वर्टिकली फोल्ड किया गया बीच से देन उसकी शेप हो गई सेकंड फिगर की तरह। एंड देन जब उसको डायगोनली फोल्ड किया गया बीच से तो उसकी शेप हो गई थर्ड फिगर की तरह। हमें पूछा गया है कि जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे पीस ऑफ पेपर को तो किस तरह की फिगर हमें मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अनफोल्ड होने के बाद जो पेपर की शेप हो जाएगी वो हो जाएगी फिर से स्क्वायर। एंड बिकॉज हमने उसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया था इसलिए हमें वो फोल्डिंग का इफेक्ट दिखेगा। एंड हमने उसको वर्टिकली भी फोल्ड किया था तो इसलिए हमें फोल्डिंग का इफेक्ट इधर भी दिखेगा। एंड यहाँ पे हमने उसको डायगोनली फोल्ड किया था इसलिए डायगोनल फोल्ड करने का इफेक्ट भी हमें दिखेगा। एंड देन यहाँ पे पंच किए गए थे टू होल्स या हम कह सकते हैं टू कट्स तो वो उसका इफेक्ट भी दिखेगा अनफोल्ड होने के बाद। सो ये पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कट हुआ था इस साइड में तो इस पार्ट में ये वाली साइड जो है वो हो जाएगी ये, तो जो कट्स हैं वो आ जाएंगे इधर। एंड अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये वाली जो साइड है ये इस पार्ट में आ जाएगी इधर, सो कट्स आ जाएंगे इधर। एंड अगर हम देखें ये वाला पार्ट, अगर हम देखें ये वाला पार्ट तो जो ये वाली साइड है वो आ जाएगी इधर, तो जो कट होंगे वो आ जाएंगे इधर। एंड देन अगर हम देखें इस पार्ट को सो जो ये वाली साइड है वो इस पार्ट में आ जाएगी इधर, तो जो कट्स है वो आ जाएंगे इधर। तो कुछ इस तरह की फिगर हमें मिलेगी। तो चलिए अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को। जो सही फिगर है वो है कुछ इस तरह से। एंड ये वाली फिगर जो है वो हमें मिलती है ऑप्शन ए में। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है या जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।